5 बेसिक कैमरा मूवमेंट जो आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, वो भी हैंडहेल्ड और ट्राइपॉड की मदद से बिना किसी गिम्बल के। सो फर्स्ट कैमरा मूवमेंट है पैन। इसमें जो कैमरा की मूवमेंट होती है वो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट होती है एक फिक्स पोजीशन पे रहते हुए। पैन मूवमेंट का यूज किसी लोकेशन को दिखाने के लिए या कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड कैमरा मूवमेंट है टिल्ट। टिल्ट जो कि पैन की तरह ही सिमिलर है, बस इसमें कैमरा हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली मूव करता है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड्स या डाउनवर्ड से अपवर्ड्स। इस मूवमेंट का यूज तब किया जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को रिवील करना चाहते हैं और जब आपको व्यूअर्स का अटेंशन एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ ले जाना है। थर्ड जो कैमरा मूवमेंट है वो है रोल। इस कैमरा मूवमेंट में आपको अपने कैमरा को एक ही तरफ पॉइंट करके रखना है और लेफ्ट या राइट की तरफ बेंड करना है। इसका यूज किसी भी सीन में अननेचुरल और डिजीनेस दिखाने के लिए किया जाता है। फोर्थ कैमरा मूवमेंट है जूम इन और जूम आउट। इस कैमरा मूवमेंट के लिए आपको जूम लेंस का यूज करना पड़ेगा और इसका यूज आप किसी भी सीन में, अगर आपको वाइड शॉट से क्लोजअप शॉट में शिफ्ट करना है तो आप जूम इन का यूज कर सकते हैं और क्लोजअप से वाइड शॉट में शिफ्ट करने के लिए आप जूम आउट का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट कैमरा मूवमेंट है हैंड हेल्ड मूवमेंट। हैंडहेल्ड मतलब आपको अपने हाथों से कैमरा को मूव करना है इधर उधर बिना किसी ट्राइपॉड या गिम्बल की मदद से। इसमें जो वीडियोस होती है वो शेकी रहती है क्योंकि इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन यूज नहीं किया जाता है ताकि एक नेचुरल मूवमेंट सीन में दिखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कैमरा टेक के चैनल को सब्सक्राइब करें।